लंबी दूरी की ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ जुटना शुरू हो गई है, तो जरूरी है कि इन ट्रेनों के अंदर और बाहर सफाई हो। ट्रेनों के अंदर की सफाई के लिए यात्रा के दौरान स्टाफ भी रखा जाता है और कई जंक्शन स्टेशनों पर सफाई भी होती है, लेकिन ट्रेनों के बाहरी हिस्से की सफाई का काम तो यात्रियों के उतरने के बाद ही संभव है। इस दिशा में पश्चिम रेलवे ने एक पहल की है। पश्चिम रेलवे ने बांद्रा टर्मिनस कोचिंग डिपो में स्वचालित कोच वॉशिंग प्लांट लगाया है। इस प्लांट के लिए अतिरिक्त ब्रशिंग यूनिट तैयार की गई है और एक साथ तीन लाइनों पर ट्रेनों की सफाई की व्यवस्था शुरू कर दी गई है। इस स्वचालित प्रक्रिया में पहले के मुकाबले कम पानी का इस्तेमाल होगा और सफाई भी जल्द होगी। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित ठाकुर के अनुसार पहले स्वचालित कोचिंग वॉशिंग प्लांट बांद्रा टर्मिनस कोचिंग डिपो में एक ही लाइन थी, जहां रोजाना 2 से 3 ट्रेनों की धुलाई होती थी। अब अतिरिक्त ब्रशिंग यूनिट लगाने और 3 लाइनों को बढ़ाने की क्षमता है। इस प्लांट के फैब्रिकेशन का काम इंस्टॉलेशन और प्री रिंस डिटर्जेंट स्प्रे डिटर्जेंट के साथ इनिशियल ब्रशिंग यूनिट और वाटर स्प्रे के साथ फाइनल ब्रशिंग और वाटर स्प्रे के साथ फाइनल ग्रीसिंग जैसी सभी चरणों की शुरुआत अंतरिक्ष संसाधनों का उपयोग करके किया गया है।